जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव, सना भवतु। जब महामारी होती है, जब रोग आता है, तो मृत्यु कैसे होती है? रोग किस प्रकार से हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, कब्जा करता है? रोग और मृत्यु तभी हम पे हावी हो सकते हैं जब हमारा मन कमजोर हो, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रणाली शक्ति जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, कमजोर हो। और शरीर में कहां पे ये प्रणाली शक्ति है, इसका ठीक ठीक कोई निर्देश नहीं है, इसका ठीक ठीक कोई हम जगह नहीं बता सकते कि यहां है, यहां है, यहां है। पूरे शरीर में है इम्यून सिस्टम, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे मन से होती है। देवनागरी संस्कृत भाषा में पचास वर्णमाला है, ऐसे 54 है, 55 है, लेकिन हम 50 पकड़ते हैं, बाकी के 5 ही बाद में बात करेंगे। ये 50 वर्णमाला जो है, इसमें 24 जो है, 12 और 12 24 सूर्य कला है, और 16 चंद्र कला है, और 10 अग्नि कला है। तो 24, 16 और 10, ये मिलकर 50 बनते हैं। और ये 50 अक्षर वर्णमाला संस्कृत की देवनागरी की होती है। इसी प्रकार से 50 चक्र हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, ऐसे 55 है, लेकिन हम 50 की आज बात कर रहे हैं। ये 50 चक्र इस शिवलिंग में, इस अष्टभुजाधारी दुर्गा और गणेश जी में, हमारे मस्तिष्क पर, यहां पे कैलाश पहाड़ पर, कैलाश की चोटी पर विद्यमान है। आप इसे 50 वर्णमाला कह लो, 50 कलाएं कह लो, या 50 आप शिवगण कह लो, शिव परिवार कह लो, एक 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 अक्षर वर्णमाला का ठीक से एक के पीछे एक जब वर्णन किया जाए सही तरीके से, तब ये 50 चक्र जागृत होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब ये 50 चक्र जागृत होते हैं और उनको ठीक से एक के पीछे एक, जैसे रहस्यमय महासंजीवनी विद्या में बताया है, इसको जब हम जागृत करते हैं नियमों का पालन करने के साथ, तो इन 50 चक्रों के जागृत होने से हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रणाली शक्ति
तो जागृत होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ कलाएं अर्थात जादुई शक्तियां जिसे हम सिद्धि के नाम से जानते हैं, ये 54 सिद्धियां भी हमको प्राप्त होती है। शरीर बीमार है ये केवल बीमारी नहीं है। आजकल शरीर की बीमारी से बड़ी बीमारी है मन की बीमारी, और मन की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है आध्यात्मिक आत्मा की बीमारी, जिसके ऊपर हमारा तो अभी तक ध्यान गया ही नहीं। हम इतने व्यस्त है शरीर और मन की बीमारी को ठीक करने, काफी लोगों को तो मन की बीमारी के बारे में भी नहीं पता। इसके अलावा है आर्थिक बीमारी, गरीबी, कर्ज, ये भी एक बीमारी है। घृणा की बीमारी है, अपमान बार बार सहन करना पड़ता है, ये भी एक बीमारी है। प्राणाली शक्ति केवल वो प्राणाली शक्ति नहीं जो शरीर को ठीक करे, प्राणाली शक्ति वो प्राणाली शक्ति है जो पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति दे। पूर्ण स्वास्थ्य को संस्कृत में पुष्टि कहते हैं, जो पुष्टि की प्राप्ति करवाए, अर्थात शरीर, मन, आत्मा, अर्थव्यवस्था, सम्मान, तृप्ति, हर चीज की जो सुरक्षा करे, हर चीज को जो स्वस्थ रखे, उसी को मैं पुष्टि कहता हूं, होलिस्टिक हेल्थ कहता हूं। और इस होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति के लिए आपको केवल और केवल हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ, हमारे महाश्री संजीवनी विद्या के पाठ्यक्रम में जुड़ना है। इतना सरल है, रोग को दूर करना, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग, गरीबी, कर्ज को दूर करना भी सरलतम सरल है यदि हम महासंजीवनी विद्या को सीख ले। जुड़ने के लिए नीचे मैसेज बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत।